हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आज मैं शेयर करूंगी एक बहुत ही मजेदार रेसिपी, तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करूंगी मटका कुल्फी की रेसिपी, केसर बादाम पिस्ता वाला मटका कुल्फी की रेसिपी। ये बहुत ही यम्मी एंड डेलीशियस है खाने में। घर में बचे हुए ब्रेड से ये आप आसानी से बना सकते हो। अभी लॉकडाउन चल रहा है तो घर में बैठे बैठे अगर मीठा खाने का मन करे तो आप ब्रेड, दूध, चीनी से भी ये खाली बना सकते हो। और कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट्स ये बन के तैयार हो जाता है बहुत फटाफट जल्दी। तो चलिए इसकी रेसिपी अब हम देख लेते हैं। तो पिस्ता बादाम वाला मटका कुल्फी बनाने के लिए यह मैंने लिया है ब्रेड, यह मैंने लिया ब्राउन ब्रेड, जिसका साइड का जो ब्राउन पोर्शन है उसे मैंने काट के हटा दिया है और छोटे छोटे टुकड़ों में पीस कर लिया है। आपके पास व्हाइट ब्रेड हो तो भी आप वो यूज कर सकते हो। और काजू, पिस्ता और बादाम, 8 काजू 10 पिस्ता और 10 बादाम मैंने लिया है। साबुत यह है केसर, भिगो गरम दूध में मैंने केसर के धागे भिगो के रखा है। यह है मिल्क पाउडर, मिल्क पाउडर के जगह आप कॉन्डेंस मिल्क या फिर दूध का जमा हुआ फ्रेश मलाई भी यूज कर सकते हो। यह है दूध, इसमें मलाई भी है, ये फुल क्रीम दूध है, ये बॉइल्ड मिल्क है। और ये है चीनी, चीनी मैंने लिया है 3 टेबलस्पून, क्योंकि ये मोटा दाना चीनी है। आप अपने स्वाद अनुसार मीठा ऐड करना। और गार्निश के लिए पिस्ता बादाम चॉप्ड करके रखा है मैंने। और ये है इलायची, 4-5 इलायची मैंने ऐसे कूट लिया है। अब मैं एक मिक्सर ग्राइंडर का जार ले लिया है, इसमें मैं सबसे पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स को ग्राइंड करूंगी। सबसे पहले मैं इसमें ब्रेड डालूंगी, फिर मैं इसमें डालूंगी चीनी, फिर काजू, पिस्ता बादाम और ये इलायची। अब इन सारे चीजों को अब मैं ग्राइंड करूंगी। तो फ्रेंड्स देखिए, सारे सामग्री मैंने पीस लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी मिल्क पाउडर और केसर वाला दूध। आपको केसर का फ्लेवर पसंद ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। और यहां मैंने लिया है दूध, 2 कप दूध है, मतलब 100 ml, और मलाई वाला दूध। अब इसे भी मैं ब्लेंड कर लूंगी बहुत अच्छे से। तो फ्रेंड्स, मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स को देखिए ग्राइंड कर लिया है। कंसिस्टेंसी ऐसे ही चाहिए हमें, एकदम गाढ़ा, देखिए एकदम बढ़िया ग्राइंड हुआ है। अब मैं इसको मटके में ट्रांसफर करूंगी। तो फ्रेंड्स, अब मैं ऐसे मिट्टी की देखिए मटके मुझे बाजार में मिल गया है, ये मैंने लेके आई हूँ। आपके पास ना हो तो नो प्रॉब्लम, आप कोई भी पेपर ग्लास, प्लास्टिक का ग्लास या सेरामिक का बोल में ये कुल्फी जमा सकते हो। ये मेरे पास मिट्टी के कूलर जैसा सेरामिक बोल है, इसे भी मैं यूज करूंगी कुल्फी जमाने के लिए। तो अब मैं कुल्फी को इसमें ट्रांसफर करूंगी। ये कुल्फी आप बहुत ही आसानी से घर पे बना सकते हो बचे हुए ब्रेड से, ओनली मिल्क और ब्रेड, चीनी से भी आप ये बना के देख सकते हो, बहुत टेस्टी होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने ये कुल्लर में, सेरामिक कुल्लर में और मटके में ट्रांसफर कर लिया है कुल्फी को। अब मैं इसके ऊपर से ऐसे फॉइल पेपर से इसको कवर कर दूंगी, और क्योंकि फ्रीजर में जब हम इसे सेट करने के लिए रखेंगे, और एक रबर भी लगा दूंगी तो इसके ऊपर आइस क्रिस्टल ना जमे, इसके लिए मैं इसको ऐसे कवर कर दूंगी। तो मैंने कवर कर लिया है फ्रेंड्स।
अब मैं इसे 6 से 7 घंटा कम से कम हमें फ्रीजर में सेट करने के लिए रखना है। सबसे अच्छा हो अगर आप ओवरनाइट इसे रखे तो चलिए इसको अब हम फ्रीजर में रख देते हैं सेट होने के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं ओवरनाइट रख दिया था कुल्फी को, मटका कुल्फी को। अब मैं फ्रीज से इसे निकाल लिया है, अब मैं इसे खोल के आपको दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स देखें, मैंने फॉयल पेपर हटा दिया है, कितना बढ़िया तरीके से ये जम के देखिए तैयार हुआ है कुल्फी। अब मैं इसके ऊपर से गार्निश करूंगी पिस्ता और बादाम से, मार्केट जैसा लुक देने के लिए। बहुत टेस्टी एंड यम्मी होता है ये कुल्फी और फटाफट घर में बन भी जाता है। ये मैंने गार्निश कर लिया है, अब मैं आपको ये कुल्फी काट के दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं आपको काट के दिखाती हूँ। देखिए कितना यम्मी एकदम जम के बहुत अच्छा तैयार हुआ है बनके, यम्मी डिलीशियस सा कुल्फी। तो प्लीज इस रेसिपी को आप घर पे ट्राई करना। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक कमेंट शेयर एंड प्रेस बेल बटन फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशन। थैंक यू।